फेस्टिवल आने वाले हैं तो फिर मैं आ गई हूँ दिल्ली की बहुत ज्यादा फेमस मार्केट ये है लाजपत नगर मार्केट मैंने पहले कभी ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया है तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज यहाँ आते हैं एंड हम लोग करने वाले चैलेंज वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ का सारा कलेक्शन प्राइसेस शॉप और सब दिखाऊंगी साथ में हम लोग करने वाले हैं आउटफिट चैलेंज अंडर टू थाउजेंड रुपीज आई विल मेक एन एंटायर आउटफिट अंडर टू थाउजेंड रुपीज तो अभी तो मार्केट स्टार्ट ही नहीं हुई है मैं ग्यारह बजे से भी पहले पहुंच चुकी हूँ इधर तो अभी हम लोग कुछ खावा लेते हैं उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे एंड मैं एटीएम भी ढूंढती हूँ ताकि मेरे पास कैश हो एंड मुझे पेमेंट करने में प्रॉब्लम ना आए अगर आप लोग मेट्रो से आ रहे हो तो बेस्ट रूट है गेट नंबर पाँच से एग्जिट लेके आप लोग इधर आओगे ये मेन लाजपत नगर की एंट्री गेट है और ये साइड में आंटी है तो इसी से अंदर हम एंटर करने वाले हैं। ओके okay, तो चलो चलते हैं लाजपत नगर मार्केट के अंदर ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है तो मुझे पता नहीं था कि मार्केट 11 बजे के बाद ही शुरू होती है तो आप लोग देख सकते हो कि काफी खाली खाली लग रहा था थोड़ा सा आगे जाने में देख रहे थे की काफी सारे वेंडर्स वगैरह अपने स्टॉल्स लगा रहे थे और शॉप्स भी जस्ट ओपन होने ही लगी थी एंड हम लोग देख सकते थे कि स्टार्टिंग में कुछ कुछ हमें ईयर के स्टॉल्स दिखे थे थोड़ा सा आगे जाके चश्मे के भी स्टॉल्स लगे हुए थे एंड उसके बाद शॉप्स खुलने लगी थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे शॉप ज़्यादा दिखी थी एंड आई थॉट कि शायद यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स एंड ऑल हैं बट देन आगे जाके स्टॉल्स और वेंडर्स वगैरह थे तो आप लोग देखो कि जो शॉप्स वगैरह उनमें भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर कलेक्शन आया हुआ था मुझे कुछ पीसेस काफ़ी अच्छे लग रहे थे बट इस बार में एकदम स्ट्रेट माइंड से आई थी कि शॉप्स में नहीं घुसना है आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द मार्केट मोड़ एंड बड़ी बड़ी दुकानों से दूर रहना है तो फिर मैंने आगे बढ़ी एंड वहाँ पे देख रहे थे कि जो कुर्ते वगैरह के स्टॉल्स हैं वो जस्ट लग ही रहे थे बट द एंटायर मार्केट है रियोली रियोली वाइब्रेंट एंड ब्यूटिफुल वाइफ काफ़ी सारी शॉप्स थी जिनमें जूलरीज थी फेक गजरे भी मिल रहे थे इनकेस आपको यू you नो know, कोई अच्छे से हेयर स्टाइल बनाना है उसके लिए तो सबसे पहले मैंने इस वाली शॉप से स्टार्ट किया काफ़ी ज़्यादा एथनिक आउटफिट क्या ऑप्शंस थे यहाँ पे थ्री पीस सेट्स थे मोस्टली ए लाइन सूट्स थे अनारकली थे ये आलिया कट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये जो इन्होंने उठाया था बट मुझे इसके फ्लावर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे देन आई वॉज लुकिंग फॉर दिस ए लाइन काइंड ऑफ थिंग काफ़ी ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स थे तो मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा लेने का बट बिकॉज द कैच वॉज कि मेरे भाई ने मुझे स्टाइल करना है तो हम उस हिसाब से ही देख रहे थे हिडन

मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था बहुत सुंदर कलर्स थे फ्रॉम स्कर्ट्स टू ब्लाउजेस टू ए लाइन सूट्स टू अनारकली टू नायरा कट आलिया कट सारे टाइप के सूट्स यहाँ पे थे तो मैंने थोड़ा बहुत और कलेक्शन यहाँ पे एक्सप्लोर किया मुझे ये वाला नारकली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था अगेन दिस वाज फॉर फिफ्टीन हंड्रेड और सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज़ थ्री पीस सेट था बट ये फाइनल प्राइस नहीं होता है आप यहाँ पे बार्गेन कर सकते हो तो आपकी बारगेनिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था बट इट वॉज गिविंग मोर ऑफ लाइक अ पॉलिटिशियन या स्कूल टीचर वाइब ये ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन मुझे वो वाली वाइब दे रहा था तो आई डेंट गेट Uh, फिर हम लोग इस वाली शॉप से आगे निकल गए थे डिड आई बाय समथिंग फ्रॉम देयर और नॉट ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहो तो मैंने उधर से राइट ट लिया था एंड उस लेन में काफी सारी शॉप्स थी कुर्ते लगे हुए थे साइड में टू हंड्रेड like, के प्लाजोस इन दिस लेन यू नो शॉप्स थी, थी, you know, थी जिसमें लहंगे और साड़ीज डिजाइनर पीसेस के भी अवेलेबिलिटी थी उसी से थोड़ा सा आगे चलते चलते भी कुछ चीजें थी अचार पापड़ ऐसी चीजें भी काफी ज्यादा मिल रही थी बट इस वाले टर्न पे मुझे ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगा यहाँ पे काफी सारे कोट्स रखे हुए थे इनको आप अच्छे से स्टाइल करके अपना इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकते हो या फिर इनको नाइट सूट की तरह भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो उसी के साइड में ये ए लाइन कुर्ते का सेट थे एंड दीज वो थ्री पीस सेट्स और उसके साइड में ये आलिया कट और नायरा कट वाले सूट्स रखे हुए थे जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थे इस टाइम पे एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते पहन के लाइक फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट ऑप्शन है एंड ये कॉट सेट्स ए लाइन सूट्स और ये जो अनारकली टाइप्स आप देख रहे हो आलिया कट सूट्स ये सभी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ के सेट थे एंड इसमें आपको पजामी भी मिलेगी एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर कलर ऑप्शन अवेलेबल थे तो मैं अपने लिए तो नहीं बट यहाँ से मम्मी के लिए ज़रूर देख रही थी तो मैंने उनसे पूछा था कि उनके पास कहाँ तक साइज़ हैं तो उनके पास डबल एक्सेल तक साइजेज अवेलेबल थे एंड एवरी थिंग फॉर सिक्स हंड्रेड बट ये एकदम फिक्स प्राइस शॉप्स थी वो बार्गेन करने को रेडी नहीं थे बट आई थिंक सिक्स हंड्रेड स्टिल इज़ अ प्रटी गुड डील फॉर द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक एंड जो साइजेस आपको मिल रहा है प्लस कलर ऑप्शन वगैरह भी काफी ज्यादा अवेलेबल थे तो आई थिंक सिक्स हंड्रेड इज ए गुड ऑप्शन ऐसे ही काफ़ी सारी शॉप्स थे और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स एंड डिजाइन अवेलेबल थे ये वाला अनारकली हुए मुझे काफ़ी ज्यादा सुंदर लग रहा था लाइक वाइट चिकन का ही वर्क था एंड उसके बीच बीच में एक प्रिंटेड कपड़ा अलग से उसकी कलियाँ बना रखी थी तो वो काफ़ी ज्यादा डिफरेंट था समथिंग आई डोंट ओन बट देन वो ट्वेंटी वन हंड्रेड का ये बोल रहे थे एंड आई थिंक इट वॉज़ अगैन थ्री पीस सेट इसका भी दुपट्टा वगैरह बहुत कॉटनिश था जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो इक्कीस सौ लाइक आई फाइंड que café todo महंगा मुझे लगा and he was not ready to bargain. एक तो तो काफी सारे लोग कैमरा ऑन कर लिया तो मैंने उसके वजह से भी करने को ready नहीं थे But then yes, he had a lot of options. आप अगर कर पाओ तो इधर की अच्छी थी uh, काफी सुंदर सुंदर थे मुझे थोड़ा सा लगा and also इनके पास भी साइजेस नहीं भी होगा तो वो आधे घंटे

काइंड ऑफ सिमिलर कुर्ता देखा था जो मैंने पहना था एंड इट वॉज वन थर्ड द प्राइस जिसमें मैंने ये मॉल से खरीदा है एंड लाइक मैंने क्यों ही खरीदा बट एनी वेज इस शॉप पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर से ए लाइन कुर्तीज़ अवेलेबल थी कॉटन की प्योर कॉटन की कुर्तीज़ थी एंड इनका प्राइस था थ्री फिफ्टी टू फोर फिफ्टी रुपीज़ कुछ कुछ कुर्तीज़ वो बोल रहे थे थ्री फिफ्टी की कुछ कह रहे थे फोर फिफ्टी बट आई वुड से कि अगर आप ऐसे सिंगल कुर्ती की पीस ले रहे हैं तो ये आपको लालचपत में थ्री फिफ्टी में आम से मिल जाएंगी तो इवन इफ इज कोटिंग यू फोर हंड्रेड रुपीज तो आप मत लेके आना थोड़ा सा आगे बढ़ना सेम डिजाइन आपको थ्री फिफ्टी रुपीज में किसी भी शॉप पे मिल जाएगा एंड uh, तो यस यही ये हम लोग देख रहे थे यहाँ पे मम्मी के लिए कुर्तेज देख रहे थे तो फिर इसके बाद हम इसी के आगे वाली शॉप में गए जहाँ पे बहुत सारे प्लाजोस थे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स में आप देखो प्लाजो है कलर्स ऑप्शन थे सिपे वाले काम पे था लेसिस वाले थे कॉटन के थे लाइक्रा के थे और जो मिक्स ब्लेंड वाला कपड़ा होता है उसके भी थे एंड कुर्तीज़ भी अवेलेबल थी शॉर्ट चिकनकारी कुर्तीज़ जॉर्जेट बेस में कुर्तीस ये जो ब्लैक एंड वाइट में आजकल काफ़ी ज़्यादा ये वर्क में चिकनकारी कुर्ते चले हैं ये भी थे सेट्स भी अवेलेबल थे मुझे बेसिक प्लाजोज लेने थे तो मैं वही देख रही थी तो मैं ब्लैक एंड वाइट में देख रही थी एंड ही टोलमी दो सौ रुपए के ये थे जो प्लेन वाले थे पर अब देखो कि बहुत ही ज्यादा पतला कपड़ा था आ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो फिर मैं नहीं लेके आई क्योंकि मुझे इसका मटीरियल बिल्कुल ही सी थ्रू लगा तो मुझे काम का लगा नहीं बट देन ये जो कुर्ती वगैरह के कलेक्शन थे वो अच्छे थे प्राइसेस मैंने नहीं पूछे इस शॉप में क्योंकि मुझे इधर से लेने नहीं थे पूरी मार्केट में काफ़ी ज्यादा ये चिकन कार के कुर्ते चले हुए थे एंड uh, ये जॉर्ज बेस में था विद द बॉटम तो इसका उन्होंने कोट किया था 1900 हंड्रेड बार्गेन आप कर सकते हो ऑब्वियसली फिर सामने अगेन ऐसे सिंपल कुर्ते और सिंपल साड़ी इसकी शॉप थी उसके बाद मुझे एक शॉप मिली जहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुंदर ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स थे चिकनकारी के कुर्ते में मुझे वाला कुर्ता काफी ज्यादा अच्छा लगा है बहुत ही ज्यादा एहदे मुश्किल वाली अलीजे वाइब दे रही थी दे रहा था मुझे ये कुर्ता एंड इन्होंने सिंगल चिकनकारी कुर्ता कोट किया था नाइन हंड्रेड आगे भी शॉप्स पे काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पे चिकनकारी वर्क आ, के डिजाइन थे अनारकली भी थे ए लाइन भी थे फिर वहां से जब हमने राइट टर्न लिया तो इस शॉप पे काफी सारी एथनिक काइंड ऑफ ड्रेसेस थी ये कॉटन की ड्रेस थी एकदम प्लेन थी इसको आप इंडो वेस्टर्न स्टाइल कर सकते हो फिर अंदर आ, टासल में भी मुझे ड्रेसेस देखी काफी ज्यादा सुंदर थे इनके प्राइसेस भी आई थिंक थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड थे तो प्राइसेस काफी अच्छे थे एंड इसको आप बहुत सारे डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हो तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे फिर उसी से जब हम आगे बढ़े तो काफी सारे फुटवेयर की लाइन शॉप्स थी तीन चार शॉप्स एक साथ थी एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर फुटवेयर का कलेक्शन था लाइक दे हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ज्योतिज बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में थ्रेड वर्क में जुतीस थी मल्टी कलर जुत्तीस थी मिरर वर्क में जुत्तीस थी सिप्पी लगी हुई जुतीस थी कोलापुरीज थी बहुत ही ज़्यादा अर्धी टोन्स में डार्क ब्राउन टैन लाइट ब्राउन बेज कोई भी ब्राउन का शेड उठा लो उसमें जुत्तीस थी लड़कों की जो शेरवानी पे पहनने वाली जुत्तीस होती है वो भी थी इनके कलर इतने सुंदर लग रहे थे एंड दे रेंज्ड फ्रॉम फाइव हंड्रेड से लेके सिक्स सेवन एट हंड्रेड तक भी प्राइसेस बताए थे थाउजेंड भी बताए थे डिपेंड करता है कि आपके बार्गेनिंग स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी हैं। वहाँ से आगे बढ़ के थी काफ़ी सारी ज्वेलरी की शॉप्स जहाँ पे एक से एक वैरायटी थी सेल भी लगी थी सौ डेढ़ सौ वाले पीसेस भी थे और ये महंगे महंगे भारी इयर भी थे फिर आगे चल के आते लाजपत की ये फेमस ब्लाउजेज़ की शॉप्स जहाँ पे एक से एक बढ़िया डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ आपको देखने को मिल जाएंगे इनकी रेंज स्टार्ट होती है फाइव से और जाती तो पंद्रह सौ दो हज़ार से भी ऊपर है अभी नवरात्रि आ रही है तो ऐसे आप ब्लाउजेज ले सकते हो पैर कर सकते हो अपनी स्कर्ट्स के साथ फिर आते आते टूवर्डज द एंड मुझे ये एक शॉप दिखी थी जहाँ पे हमें दुपट्टे देखे थे एंड क्योंकि हमारा बजट थोड़ा बचा हुआ था तो हमने सोचा कि दुपट्टा ले लेते हैं क्योंकि जो मेरा आउटफिट है उसको एम्प अप कर देता ये दो दुपट्टे हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे आप लोग मुझे बताना आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा हमने एक ही लिया एंड इसी के साथ हमारी बजट में शॉपिंग कम्प्लीट हो गई थी uh, मैं अभी थोड़ी देर में आपको हॉल दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई एंड इसी के साथ हमारी लाजपत नगर एक्सप्लोरेशन ख़त्म हुई आप लोगों बताना कि आप लोगों को इस बार का कलेक्शन कैसा लगा

एंड हम लोग लाजपत नगर से काफ़ी जल्दी उस दिन वापस आ गए थे एंड वहीं पर हमने ना डिसाइड किया कि चैलेंज को एक थोड़ा सा और ट्विस्ट देते हैं एंड वट वी डिड वॉस वी डिड एन आउटफिट अंडर टू थाउजेंड रुपीज़ बट हमने चैलेंज को थोड़ा सा एम्प अप किया कि मैंने अपने लिए आउटफिट ना ख़रीद के मेरे भाई ने मेरे लिए आउटफिट लिया अंडर टू थाउजेंड रुपीज़ एंड अभी मैं आप लोगों को इस हॉल वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा एंड मेरा टोटल आई थिंक नाइनटीन हंड्रेड या नाइनटीन फिफ्टी आया था दैट वीज़ बिलो टू थाउजेंड सो चैलेंज में तो हम बिल्कुल अच्छे से पास हुए हैं अब मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेके आई तो वीडियो में आपने जो स्टार्टिंग में देखा था ना कि मैं एक शॉप पर रुकी थी जहाँ पर मुझे ये चिकन करी का अनारकली चिकन कारी का अनारकली पसंद आ गया था सो so, दिस वॉज़ द सूट बहुत ही प्रटी इसमें सीकुन का वर्क हो रखा है एंड इसका जो नेक है इसमें फ्रंट में ऐसे Uh, ये बीडेड बटन टाइप का इफ़ेक्ट है जो कि बहुत सुंदर लगता है एंड इसकी फ़िटिंग मुझे थोड़ी सी वियर्ड आ रही थी जब घर आ ट्राई किया काफ़ी ज़्यादा लूज था कमर से भी एंड बाजू भी जो थी वो बहुत ज़्यादा ढीली थी तो मैंने मम्मी से इसकी फ़िटिंग करवा लिया अभी मेरे को बहुत अच्छे से फिट हो रहा है एंड बहुत ही उसका सा लुक आया हुआ है लाइक इट इज़ वेरी यू नो फिटेड ऑन द टॉप एंड उसके बाद नीचे फ्लेयर होता है तो ये फुल लेंथ अनारकली है फ्लोर लेंथ है एंड इसके एंड में यहाँ पे इतना चौड़ा सा अलग से ये बॉर्डर दे रखा है इसमें भी पूरा चिकन करी का वर्क वर्क है एंड मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया मुझे ऐसे ऑफ वाइट कलर का चिकन करी या नारकली काफ़ी टाइम से लेना था एंड जब मैंने देखा तो मुझे ये एक ही नज़र में पसंद आ गया था सो दिस वॉज अ थ्री पीस सूट एंड इसके साथ एक वाइट कलर का ऑफ वाइट कलर का एक कॉटन का पजामा भी था जिसकी फिटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई वुड हैव प्रेफर्ड टाइट यू नो चूड़ीदार टाइप का फिटिंग मैंने पहन रखा है अभी तो मैं दिखा नहीं सकती मैं वीडियो में क्लिप इंक्लूड कर दूँगी यहाँ पर एंड साथ में ही ये कॉटन का ऑफ वाइट कलर का दुपट्टा था काफ़ी ज़्यादा चौड़ा दुपट्टा है बहुत ही सिंपल है एकदम बेसिक कॉटन का कपड़ा है एंड साइड में इसके यहाँ पे ऐसे लेस लगी हुई है तो ये दुपट्टा और ये पजामा भी इसी के साथ आया था बट देन वो फुल जो ऑफ वाइट लुक आ रहा था वो उतना बढ़िया लग नहीं रहा था एंटायर थ्री पीस कुर्ता सेट वो फोर थाउजेंड रुपीज़ वो पहले हमें आई थिंक पच्चीस सौ या कुछ ऐसे बोल रहे थे एंड देन बार्गेन करते 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 हम लोग हज़ार रुपये आए एंड आई थिंक इट इज़ अ प्रिटी डिसेंट डील क्योंकि उस थ्री पीस को आप एज़ इट इज़ बी यूज़ कर सकते हो माई ब्रदर डिसाइडेड कि हम बैग नहीं लेंगे साथ में मतलब मेरे प्लान में था कि आई बाई अ क्लच टू कंप्लीट द लुक बट उसने क्लच या बैग ना लेके वट ही डिड वॉस जब लास्ट में पैसे बचे थे तो उसने ये दुपट्टा खरीद लिया था ताकि वो वाइट दुपट्टे से एकदम बेसिक सा आउटफिट ना बने एंड एक थोड़ा सा लुक अच्छा आया आउटफिट का तो दिस इज़ द दुपट्टा दैट वी बॉट आपने वीडियो में देखा होगा मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया था हमें एंड में दो दुपट्टे पसंद आए थे मुझे दूसरा वाला आया था उसको ये वाला आया था एंड बिकॉज द वीडियो वॉज माई ब्रदर स्टाइल्स मी अंडर टू थाउजेंड तो फिर मुझे उसी के पसंद का लेना पड़ा मुझे ये वाला उत्ता कुछ खास पसंद नहीं आया था दूसरा वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था बट देन वी एंडेड अब बाइंग दिस दुपट्टा दिस दुपट्टा वी बॉट फॉर थ्री हंड्रेड रुपीज़ पहले वो हमें थ्री फिफ्टी या फोर हंड्रेड कोट कर रहे थे बट देन वी एंडेड अप बाइंग इट फॉर थ्री हंड्रेड रुपीज़ उससे ज़्यादा बार्गेन करने को बिल्कुल रेडी नहीं थे एंड देन टू कम्प्लीट द लुक थोड़ी बहुत हमने ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज़ ली थी तो सबसे पहले दिस बैगल का सेट आई थिंक इसमें ट्वेंटी फोर बैंगल्स हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है एंड हमने मल्टी कलर में ली है ताकि आ, किसी और आउटफिट पे भी ये चल जाती एंड प्लस वो उसका प्लान ही था टू बाय अ कलरफुल एक्सेसरी एंड दुपट्टा जिसके वजह से वो वाइट का जो मोनो टोन है वो ब्रेक हो तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है बैंगल्स एंड किसी भी आउटफिट के साथ अच्छी लगेंगी बिकॉज मल्टी कलर है यू नो तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है मेटल के बेस में है वी बॉट दिस फॉर वन फिफ्टी रुपीज़ एंड देन इसी के साथ वाली शॉप से हमने ये वाली एयर भी लिए थे ये ऐसे झुमके हैं एंड मल्टी कलर है अगेन इसमें सारे ही कलर्स हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है इसके साथ भी दुपट्टे के साथ भी सो दिस वन वी बॉट फोर हंड्रेड रुपीज़ सो वी बॉट दीज जुत्तीज ये वाली जुत्ती हमने ख़रीदी एंड हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी येलो बेस विद सम थ्रेड थ्रेडवर्क ताकि अगेन पूरे आउटफिट के साथ जाए तो हमने ये वाली जुत्ती खरीदी एंड ओ माई गॉड दिस जुत्तीज़ आर सो कम्फर्टेबल इसके यहाँ पर पूरा ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है एंड ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैम टू बी दिस गुड तो मुझे अच्छी लगी मतलब सरोजिनी वगैरह से मैं फुटवेयर नहीं लेती हूँ मैंने कभी नहीं लिया बिकॉज लाइक फुटवेयर हैज़ टू बी कम्फर्टेबल वरना मेरे पैर दुखने लग जाते हैं बट दिस वन हैज़ दिस क्वेश्चनिंग काफ़ी थिक क्वेश्चनिंग है जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है वहाँ पे जितनी भी जुतीस की शॉप थी सारी जुत्तीस वहाँ पे क्वेश्चन ही थी तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक द जुत्ती का कलेक्शन वहाँ पे तो हमने ये वाली जुती खरीदी एंड सिमिलर जुत्ती वहाँ पे काफ़ी सारी स्टोर्स में काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल थी और कोई भी आठ सौ साढ़े आठ सौ कोई तो बारह सौ भी कह रहा था नीचे ही आने को तैयार ही नहीं थे एंड देन दिस वन शॉप जिसमें हम सबसे पहले गए थे the, दैट गाई कोटड सिक्स फिफ्टी एंड देन बागेन कर करके करके वी केम डाउन टू फोर हंड्रेड आई थिंक थोड़ा सा और मतलब बागेन हो जाता तो आई वुड हैव बीन हैप्पी बट आई एम नॉट कम्प्लेनिंग क्योंकि जो क्वालिटीज़ जुत्ती की है एंड जो वर्क है लाइक पूरे जुत्ती पर इधर वर्क है एंड इधर साइड पर भी पूरा गोल्डन थ्रेड से वर्क दे रखा है तो इस वर्क के अकॉर्डिंग एंड जिसका कम्फर्ट है आई थिंक फोर हंड्रेड वॉज स्टिल अ व्रेटी गुड डील तो हमने ये जूती ख़रीदी एंड विद डैट वी कम्प्लीटेड आई एंटायर आउटफिट आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताना कि इन सब में आपको सब से आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा एंड ऑल्सो रेट आउट ऑफ टेन कि आप लोग इस चैलेंज में हमें कितने मार्क्स दोगे हम पास हुए या फेल सो या दिस वॉज द आउटफिट दैट माई ब्रदर क्रिएटेड फ्रॉम लाजपत नगर अंडर अंडर टू थाउजेंड रुपीज़ एंड येस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो एंड मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना इफ़ यू वॉन्ट एस टू एक्सप्लोर एनी अदर मार्केट्स एंड येस आई होप आपको एक आइडिया लगा हो कि लाजपत का फेस्टिव कलेक्शन इस बार का कैसा आया हुआ है आई रियली मेकिंग दिस वीडियो आई होप आप लोगों को भी देखने में उतना ही मजा आया हो लाइक कॉमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू ऑलरेडी आई एल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय